कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच रक्त की कमी को दूर करने के लिए कोटा शहर में स्वैच्छिक रक्तदान के लिए लोग आगे आ रहे हैं। इसी के तहत सोमवार को कृष्णा रोटरी ब्लड बैंक की ओर से मोबाइल वैन रक्तदाताओं के घर पहुंची और लोगों ने अपनी स्वेच्छा से रक्तदान किया। डॉक्टर सौरव गुप्ता ने बताया कि गर्मी का सीजन आते ही अक्सर ब्लड बैंकों में रक्त की कमी हो जाती है और इस बार कोरोना महामारी से लॉकडाउन चल रहा है, जिसके चलते रक्तदाता ब्लड बैंक तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। एक्चुअली ये कोरोना महामारी के चक्कर में जो स्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं, इससे क्या है कि लोगों को आने जाने में बहुत असुविधा हो रही है और जो धारा 144 लग रही है उसमें आदमी इजीली आ जा नहीं पा रहे हैं, तो ब्लड बैंकों में खून की शॉर्टेज तो हो ही गई है और वैसे भी गर्मी का सीज़न में हमेशा रहता ही, और इस टाइम ये कोरोना और आ गया है, तो इससे निजात पाने के लिए हमने क्या ये मोबाइल वैन जो है हम लोगों के डिमांड पे जा रहे हैं। जैसे जो जो फ़ोन आ रहे हैं हमारे पास, हम उनका एड्रेस ले लेते हैं और एक जगह एक दिन में हम जैसे डिसाइड कर लेते हैं भाई आज इस एरिया में नए कोटा में जाएंगे या किस जगह, तो जिस तरह से हमारे पास रिस्पांस आ रहा है हम उस तरह से इंडिविजुअल एक एक या दो दो आदमी का एक एट अ टाइम डोनेशन ले रहे हैं घर घर जाके। हाँ, इसमें पूरा सहयोग मिल रहा है हमें, कोई मतलब ऐसा नहीं हुआ कि लोगों ने मतलब वो करा हो कुछ। अभी तक हमारा 167 यूनिट हम इकट्ठा कर चुके हैं 10-11 दिन एवं राजस्थान में।